माफ कीजिएगा, नॉट का फॉर्मूला, और इस नॉट के फॉर्मूले में डालेंगे हम इज एरर का फॉर्मूला। इज एरर में वापस मिड का फॉर्मूला, मिड में हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम देंगे अगेन कॉलन कॉलन वन बाय वन कॉमा वन, इज एरर में मल्टीप्लाई बाय वन, इज एरर को क्लोज किया, नॉट को क्लोज किया, नॉट के रिजल्ट पे मल्टीप्लाई बाय वन कर, सिंपल एंटर मारे, रिजल्ट आपके सामने 1 2 3 है। तो हमने जिस सीक्वेंस में यहां लगाया था फॉर्मूला उसी सीक्वेंस में हमने यहां पे यूज किया, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर्स यहां हम देख पा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? चलिए लास्ट क्वेश्चन बताता हूं, बाकी लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है कि थर्ड नंबर को सम करना है, क्या करना है, थर्ड नंबर को सम करना है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया सबसे पहले इसमें रो का, रो फॉर्मूला क्या करेगा, नंबर देगा, इसका नंबर। तो रो में हमने लगा के -3 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर रहा हूँ, उस पर डेटा में 3 नहीं करना है मुझे। इससे क्या होगा, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो रो नंबर आएगा। इस रो में मुझे मोड का फॉर्मूला लगाना है, मोड यहाँ पे मैं कॉमा करूँगा डिवाइडर में 3, तो हर थर्ड डेटा मुझे यहाँ पे शो कर देगा। आप देख पा रहे हैं हर थर्ड डेटा के लिए 0 आ गया। अब मुझे सिंपल सा यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला या सम का फॉर्मूला लगा या इफ का फॉर्मूला लगा के इसमें हम इसको सम कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ का कि इफ अगर ए इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू को शो कर दे, नहीं तो 0 को शो कर दे, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ओके एक मिनट, 1 2 3 ओ सॉरी, ये चीज हमें ऊपर से करना चाहिए, यहाँ 2 नहीं 1 माइनस, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। और फिर यहाँ सम का फॉर्मूला इसको क्या कर लेगा, सम, समझ गए। अब इसको एरे में कैसे लिखेंगे, 1792 जो आया उसको एरे में लिखना। तो सबसे पहले हम एरे फॉर्मूला में लिखेंगे कि हर सम करे हर थर्ड डेटा, तो यही पे सम लगा रहे हैं हम, इक्वल करते हैं सम का फॉर्मूला। सम के फॉर्मूले में मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इफ का, इफ में लगाता हूँ मोड का, और मोड में लगाता हूँ रोज का, और रोज में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, कॉमा 3 कर दिया, और हमने बोला कि इक्वल टू 0 है तो हमने अपना डेटा शो कर दिया कि इसका डेटा शो हो जाए। एंटर प्रेस करें, रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट 0 आया। अब रिजल्ट 0 क्यों आया, एक बार हम मोड में देखते हैं। ये जो हमारा रोज का फॉर्मूला था वो 11 देना, हमें रोज का फॉर्मूला नहीं, मुझे रो का फॉर्मूला यहाँ लगाना था, किसका फॉर्मूला, रो का। अब 703 आ रहा है, ये भी दिक्कत है, दिक्कत क्या है चलिए देखते हैं। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, इसमें हमने माइनस नहीं किया ना, इसलिए क्योंकि माइनस मुझे 1 करना चाहिए था, अब आ गया 1792। तो यहाँ एवलेट करने पे क्या देखा आपको, ये देखिए सारे नंबर्स दिख गए, तो उसमें से चेक किया कौन कौन मोड है, और इफ ने जहां जहां 0 था वहां नंबर डाल दिया, और फिर सामने सम कर दिया, सिंपल, समझ गया सर। तो बाकी क्वेश्चन जो 8 9 10 11 है उसको आप खुद से बनाइए सर, ये मैं नहीं बताने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया आपको, कीजिए, जब तक तो कुछ करेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ओके सर।